हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 2 में ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इट मींस ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, व्हाट इज ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है ई मतलब यहाँ पर है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो का मीन्स है रो में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एलिमेंट ऑपरेशन लगा के हम ऑपरेशंस का यूज करके क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, रो में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ई रो ट्रांसफॉर्मेशन का। नेम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि इसमें रो ऑपरेशन ही लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज होंगे। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कॉम्प्यूट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन को भी बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक क्वेश्चन है ये, हमें इसका कंप्यूट द इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट ए। ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, ए है। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो आपको इनवर्स की कंडीशन पता होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ A इनवर्स इक्वल्स टू I, ये कंडीशन होती है इनवर्स की। A इनवर्स इक्वल्स टू I। सो हमें इसमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। अगर हमने इस मैट्रिक्स को A लेट किया है, इट मीन्स हमें A का इनवर्स निकालना है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकती, A इक्वल्स टू I A। मैंने क्या करा है, ये वाला ए एज इट इज़ है, ये वाला आई भी एज इट इज़ है, जो इक्वल्स टू के इधर है। सिर्फ ये वाला ए इनवर्स को मैं इधर ले आई हूँ, तो ये ए इनवर्स इधर आकर बन गया ए। ओके, आई थिंक ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे जो मैंने लिखा है ए इक्वल्स टू आई ए, इसका ही यूज़ करके हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, ए क्या है, व्हाट इज ए, हमने ए इसको लेट किया है। सो हम ए की जगह ये वाली मैट्रिक्स नोट कर देंगे, 1 2 3 2 4 5 3 5 6 इक्वल्स क्या है आई। आई व्हाट इज आई, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 3x3 की बनाई है, बिकॉज ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर ये 2x2 की होती तो हम 2x2 की बनाते हैं, तो ये 3x3 की है, तो हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना ली। ए इक्वल्स टू आई, और ये वाले ए को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैंने इससे इस फॉर्म को बनाया था, अब मैं इससे इस फॉर्म को बनाऊंगी इस मैट्रिक्स की हेल्प से। हाउ, देखिए वो ऐसे ए है, आई है, ए है। अब हम देखेंगे ए के पास क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में ए के पास क्या है, ए इनवर्स। तो ए के पास हमारे पास अभी आई है, और इक्वल्स टू में क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या है, ए। तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में चेंज कर दूंगी, इसको मैं आई बनाऊंगी, इसमें मैं रो ऑपरेशन लगाते हुए आई बनाऊंगी। जब ये पूरा आई बन जाएगा तो ए के साथ क्या है, ए के साथ वाला क्या है, इनवर्स। तो ऑटोमेटिकली आपका ए इनवर्स बन जाएगा। देखिएगा कैसे मैं इसको आई बनाऊंगी ऑपरेशंस लगाकर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, जो आपका पहले से ही 1 है, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को मुझे 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी, रो 2 इक्वल्स टू रो 2 माइनस 2r1, और रो 3 में लगाऊंगी मैं रो 3 माइनस 3r1। इसमें जब मैं करूँगी 2 1 2, तो ये 0 बन जाएगा, और ये 3 1 3 करूँगी तो ये 0 बन जाएगा। रो ऑपरेशंस आपकी क्लियर होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि रो ऑपरेशंस का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमें किसका यूज़ करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओनली रो ऑपरेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे मैंने इसमें रो ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट वाली रो में तो मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो एज इट इज़ नोट हो जाएगी। और जो हमने सेकंड और थर्ड में चेंज करे हैं, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 -1 0 -1 and -3। सेम एज इट इज़ हम इस वाली मैट्रिक्स में भी यही वाले ऑपरेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट वाली रो तो एज इट इज़ रहेगी,
क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में हमने चेंजेस कराए, ये दोनों ऑपरेशन लगाए, तो इन दोनों को ऑपरेशन की कैलकुलेशन करने के बाद सेकेंड रो आपकी बनेगी, ठीक है। तो हम सेकेंड वाला लिख दे रहे हैं, सेकेंड वाले में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -2, 1, 0 एंड R3 - 3R1 है -3, 0 एंड 1। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, ये मत सोचिएगा कि ये कैसे लिखा। और ये वाला A जो है एज इट इज, तो देखिए धीरे धीरे हमारा फॉर्म बनती जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब देखिए यहाँ पर 1 बन गया, अब मुझे यहाँ पर 1 बनाना है डायगनल में 1। मैं ये वाले 0 बाद में कर दूंगी, पहले मैं डायगनल में 1 बना लेती हूँ सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर 1 बनाना है, तो यहाँ पर बनाने के लिए 1 क्या कर सकती हूँ, मैं चेंजेस कर सकती हूँ R2 और R3 में चेंजेस कर सकती हूँ। R2 इज इंटरचेंज टू R3, इट मीन्स मैं R2 की प्लेस पर R3 लिख सकती हूँ एंड R3 की प्लेस पर R2 लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट वाली रो में नो चेंजेस, तो एज इट इज नोट कर दिया है। और फिर आपका R2 क्या होगा, R2 की प्लेस पर मैं लिख दूंगी R3, तो 0, -1, -3 एंड 0, 0, -1 सेम एज इट इज़ मैं इस मैट्रिक्स में करूंगी। 1, 0, 0 फर्स्ट वाली रो तो एज इट इज़ ही है, एंड सेकंड वाली थर्ड की प्लेस पे, थर्ड वाली सेकंड की प्लेस पे, तो -3, 0, 1 एंड -2, 1, 0 ए एज इट इज़। धीरे धीरे ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी। अब मेरा डायगनल में 1 बन गया, बट ये माइनस का 1 बना, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगी, R2 इज़ इंटरचेंज -R2, मैं माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करा दूँगी तो ये प्लस का बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ आपको। ये फर्स्ट वाले में तो चेंजेस नहीं करे, तो 1, 2, 3 एज इट इज, और इसमें चेंजेस कर दो, प्लस का 1 और प्लस का 3, 0, -1 सॉरी 0, यहाँ पर 0 ही था, 0 और माइनस का 1 इक्वल्स टू सेम एज इट इज़ इस मैट्रिक्स में करेंगे। फर्स्ट वाली रो एज इट इज़ है, इसमें हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी है, तो ये हो जाएगा 3, 0, 1 और ये हो जाएगा 2, 1, 0, ये मैट्रिक्स हो जाएगी एक इधर वाली, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का आएगा, ये माइनस में इंटरचेंज हुआ था, यहाँ पर माइनस था। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 1, 0, 0 बन गया है और यहाँ पर 1 बन गया है। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ ऑलरेडी मेरा 1 है, तो ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ 1 नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मेरा 1 है ऑलरेडी। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपका -1 है सेम, तो हम सेम वर्क वही करेंगे, R3 की माइनस के R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स इसकी माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बनेगा, 1, 2, 3, 0, 1, 3 एंड 0, 0, 1, ये मैट्रिक्स बन गई। और इधर वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, इधर हो जाएगा 1, 0, 0, 3, 0, 1 एंड ये हो जाएगा 2, 1, -1 और ये 0, ये मैट्रिक्स बन गई। और ए एज इट इज चल रहा है आपका, ए ऊपर नीचे दोनों एज इट इज चल रहा है। अब इतना कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, R1 इज़ इंटरचेंज R1 - 2R2, इसको R1 - 2R2, तो 2, 2, 1 - 2 हो जाएगा और 2 - 2 - 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 0, 0 और ये भी 0, 1, 0, ये 3 - का और ये 3 और ये 1 इक्वल्स टू, इधर की मैट्रिक्स हो जाएगी -5, 3, -2, 0, 0, 1 और 2, -1 देन 0, ये मैट्रिक्स हो गया इक्वल्स टू ए चल रहा है। अब आगे अब कौन सा ऑपरेशन लगाए हम, तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अभी R1 में, R1 हो जाएगा R1, यहाँ -3 चल रहा था ऊपर, यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गई, R1 + 3R3, तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 1, 0, 0, 0, 1, 0, -3, 3, 1 और जब मैं ये वाला ऑपरेशन आऊँगी, अभी मैंने यही नोट करी है वाली मैट्रिक्स, ये वाला ऑपरेशन मैं अब लगाऊंगी, अगर ये वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लाऊंगी तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, एक साथ दो ऑपरेशन लगा देती हूँ, R2 R2 - 3R3,
ये मैट्रिक्स बनेगी। जब मैं लगाऊंगी तो 1001 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, जीरो। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, स्टेप मैंने कम कर दिया, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। और यहाँ आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ की मैट्रिक्स बनेगी 1 और R1 प्लस 3R3 में ये वाला हो जाएगा -3 और ये वाला 2 -3 3 -1 2 -1 एंड 0 और A इक्वल्स टू के ऐसे। तो मैंने आपको जैसा बताया था, क्या बताया था मैंने कि ये इस फॉर्म में बन जाएगा, A इक्वल टू के आइए, तो A इक्वल्स टू के आइए इस फॉर्म में बन जाएगी A इनवर्स I। तो ये I बन गया आपका पूरा, ये A इनवर्स हो गया ये। तो हमने A इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 एंड देन 0। ये मैट्रिक्स बन गई है A इनवर्स और हमें यही फाइंड करनी थी बाय ईरो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड लाइक ऑल्सो।